जो विपक्षी दल है, मैं तो मुलायम सिंह यादव, एनसीपी, शरद पवार अगर चाणक्य हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 63% वोटरों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ही तो आप गए थे ना पटना, तो क्यों सही नहीं बात, कर पा रहे हो? ये आपकी अक्षमता है। आप उनसे पूछिए कि भाई आप इतने गए गुजरे हो गए हो कि 63% वोटर आपके साथ हैं और आप एक नहीं हो पा रहे हो, ये उनकी कमी है ना। मुझे लगता है कि शायद ये जो 63% बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि भाजपा को फायदा है, लेकिन शतरंज में कोई किसी से कम नहीं है। एके मिश्रा जी, इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी क्या टिप्पणी है कि क्या ये महाराष्ट्र के खुलासे देश की राजनीति पे असर डालेंगे? डालेंगे तो किस तरह डालेंगे? किसकी किस छवि को फायदा होगा और किसकी छवि को नुकसान होगा? माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज मिश्रा जी, माइक अनम्यूट। हो गया हो गया हो गया। शर्मा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने साथ निमंत्रित करने के लिए। आपके दर्शकों और प्रबुद्ध पैनलिस्टों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आपका जो सवाल है उसको मैं सीधे सीधे ये मानता हूँ कि जो भी घटनाएं अभी होंगी, 1-2-3 महीने के भीतर पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएंगी। इन सारी घटनाओं में जो भी रिजल्ट निकलेगा वो 2024 का मैं फाइनल मान लूंगा, मैं सेमीफाइनल भी नहीं मानूंगा। दो ही रिजल्ट निकलेंगे, शरद पवार जी जीत गए, उनका खेमा, उनकी स्ट्रेटजी जीत गई तो बीजेपी के लिए झटका रहेगा, और उनके भतीजे जीत गए तो पूरे विपक्ष के लिए झटका रहेगा। आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में एक गीत गाया था कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। मैं बोलता हूँ कि इसको थोड़ा सा बदल देने की जरूरत है। आजकल एक दूसरे गीत की चर्चा बहुत है भारतीय राजनीति में कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, या दूसरा गीत ये है बीजेपी के, बीजेपी वाले जो गाते हैं, जो तुमको हो पसंद वही दांव चलेंगे, यानी कांटे से कांटा निकालना। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम तक जो बीजेपी थी वो कुछ और थी। मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अपने राइवल को, मैं क्या सभी लोग बोलते रहे हैं कि भाई अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत आंको, ठीक यही हालत रावण का था। एक पौराणिक मैं उदाहरण दे दूं, शरद पवार ने बोला कि मैं पार्टी फिर से खड़ी कर दूंगा, लंका जल रही थी, रावण ने बोला कि तुम क्यों चिंता करते हो, ऐसी सैकड़ों में सोने की लंका बना दूंगा। इतिहास जानता है कि न सोने की लंका कभी दोबारा बनी, न रावण राज कर पाया। इतना कुछ होने पर भी केवल आत्मविश्वास, एज फैक्टर देखिए, आपके विधायक आपके साथ नहीं है, आपका राइवल बहुत स्ट्रांग है। तो मैं तो शरद पवार को मैंने कभी भी चाणक्य नहीं बोला, बहुत सारे लोग उनको चाणक्य प्रोजेक्ट कर रहे थे, आखिर वो मुद्रा राक्षस साबित हो गया कि नहीं, मैं उनको मुद्रा राक्षस ही मानता था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये शरद, देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कल बहुत जबरदस्त तरीके से कमबैक कर जाएं शरद पवार, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, लेकिन मैं शरद पवार को महाभारत के भीष्म की तरह मानता हूं जो कि अब शरसैया पे लेट गए हैं। अगली लड़ाई केवल इस चीज की होगी कि सिंबल किसका है, सारा फोकस इस चीज पे होगा, क्योंकि वो कानूनी दांव पेच से होगा, और जिसको संबल मिला या तो एनसीपी उनके भतीजे की हो जाएगी या शरद पवार की, और अगर शरद पवार सिंबल नहीं बचा पाए तो वो टोटली खत्म है। एक नई आइडेंटिटी लेकर के फील्ड में जाना, राजनीतिक पार्टियां इतने जल्दी इतने आसानी से दोबारा खड़ी नहीं होती है, नई बनती नहीं है। अगर होता तो शरद पवार जी सरकार बना करके मुख्यमंत्री बना दिए होते अपनी पार्टी का, वो बहुत टिपिकल काम है। तो फैक्ट हो, फैक्ट को चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, न कि मायोपिक होके। इथिकल अनइथिकल क्या है वो एक दूसरी डिबेट है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो हकीकत है, ये शरद पवार वाली एनसीपी, उनके साथ कोई महारथी नहीं है, सुप्रिया ताई है जिनका ग्राउंड पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनके भतीजे जिन्होंने अपनी पूरी जवानी खपा दी और राजनीतिक जवानी पे वो है, इस वक्त उरोज पे हैं, उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको तो लगा कि भाई हमारी सारी मेहनत ही बेकार चली जा रही है सुप्रिया सुले के कारण, ये बुढ़ापे में शरद पवार हमारे चाचा क्या कर रहे हैं। यूपी में जो चीज हुआ था चाचा और भतीजे में, शिवपाल यादव ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी पार्टी को खड़ी करने के लिए, लेकिन वहां भतीजा जीत गया। अलाउद्दीन जलालुद्दीन की खिलजी की लड़ाई में भी अलाउद्दीन यानी भतीजा जीता था। तो मुझे ये लगता है 99.9% कि यहाँ पे अजीत पवार लीड कर जाएंगे, सारी सिचुएशंस, बैकिंग, सपोर्ट, इन सब को देखते हुए, ऊर्जा, एज, इन सब को, जिस तरह से इन्होंने खुलासे किए हैं उससे तो ये लगता है कि शरद पवार के पास एक अंतिम जो है कि भाई वो ग्रेसफुल ले लें और मोदी जी को उसी तरीके से आशीर्वाद दे दे जैसे मुलायम सिंह यादव ने आशीर्वाद दिया था कि आप दोबारा चुन करके आए और प्रधानमंत्री बने। हो सकता है वो दिन भी आ जाए कि शरद पवार आशीर्वाद दे रहे हो मोदी जी को कि आप दोबारा, मेरी शुभकामना है कि आप दोबारा जीत करके आए और प्रधानमंत्री बने। ये मेरा प्रारंभिक टेक है, आगे और बात करेंगे।
बिल्कुल ठीक बात है। ए के मिश्रा जी, अगर मैंने ये कल्पना के आधार पे बात करी, अगर इन तीनों को जेल जाने से बचाना था तो शरद पवार को ये गेम खेलना भी था। अगर ये गेम होता है तो, और अगर वाकई में ये गेम होता है चुनाव से 3 महीने पहले, जब ईडी और सीबीआई बेबस हो चुके होंगे, माहौल बन चुका होगा, उस समय अगर शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस एक साथ आती है, तो फिर क्या एक बार सीन बदल सकता है? गांव में माइक बहुत सारी तरीके की। ठीक हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, विषय हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। शर्मा जी, मीडिया में, बुद्धिजीवियों द्वारा, नेताओं में बहुत सारी परिकल्पनाएं चल रही हैं सुनहरे भविष्य के लिए। कुछ लोगों ने उदाहरण दिया कि अमिताभ बच्चन बुढ़ापे में भी बड़े एक्टिव है। अरे भाई, अमिताभ बच्चन एक्टिव है तो वो यंग मैन की तरह एक्टिव नहीं है। वो जमाना कुछ और था जब वो अपनी शर्तों पे काम करते थे, और काम पाने के लिए बुढ़ापे में वो हाथ जोड़ करके जाके समझौता कर रहे हैं हर एक आदमी से, अपने से जूनियर जूनियर कलाकारों से भी। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है संजय जी, मैं इसमें कोई जो है गुरेज नहीं है इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन जिसने भी ये गेम खेला है, चाहे बीजेपी हो, जो कि मैं बोल रहा हूँ बीजेपी आजकल गाना गा रही है, जो तुमको हो पसंद वही दांव चलेंगे और कांटे से कांटा निकालेंगे, यानी हम हर तरीके से तैयार हैं, चाहे भतीजे ने ये खेल खेला हो, तो ऐसा नहीं है कि वो शरद पवार के पास या उनके ट्रेंड्स को नहीं जानते हैं। जैसे क्रिकेट में अगर पिच पे कोई बैट्समैन आता है तो कमेंट्रेटर उसके पास्ट को देख के बता सकता है कि भाई इस पिच पे फलाने मैदान में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। शरद पवार ने मुख्यमंत्री बनने से लेके अब तक जितने भी दांव चले हैं, कोई नया दांव नहीं है, उन सारे दांव पेच को देख करके ही ये सारे डिसीजन लिए गए हैं। और इस डिसीजन का एटलीस्ट बेयर मिनिमम टारगेट ये है कि कम से कम 2024 का जो इलेक्शन है वो चीज अच्छे तरीके से हो जाए। मैं बार बार बोलता हूं, अभी पटना में जो मीटिंग हुई थी उसके जो विजुअल्स मैंने देखे, सारे विपक्ष के लोग अपने कॉम्पिटिटर यानी बीजेपी और एलाइज को इतना लाइटली ले रहे थे कि पूछिए मत। आप पूरे दुनिया का, जो देश का चुनाव जीतने के लिए बैठे हो और शादी की बातें कर रहे हो, ख्याली पुलाव बना रहे हो, और 2 दिन के बाद ही ये हो गया। रही बात ईडी और सीबीआई की, तो मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि जब आप सत्ता पक्ष में नहीं है तो आप बट नेचुरली बहुत कमजोर होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ सत्ता पक्ष। जो पार्टी सत्ता पक्ष में होती है उसके पास एडेड पावर होती है, एडेड बेनिफिट होता है, एडेड यूएसपी होता है। और इसीलिए मैंने बोला कि ये वाजपेयी जी की सरकार नहीं है, ये ऐसी सरकार है जो कि ये गाना गा रही है, जो तुमको हो पसंद वही दांव चलेंगे और हर वो चीज चलिए करेंगे। एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जो तुमको हो पसंद वो दांव चाल चलेंगे, दांव चलेंगे, ये तो कर्नाटक में भी चला गया था। येदुरप्पा के सामने प्रधानमंत्री जी ने पूरी कमर झुका दी थी हाथ जोड़ते हुए, भयंकर रोड शो किए थे, बजरंग बली का नारा लगाया था। और रही उम्र की बात, अमिताभ बच्चन की बात, तो अब यंग एंग्री यंग मैन मोदी जी भी नहीं रहे हैं, उनके चेहरे से भी थकान दिखने लगी है। सोशल मीडिया पे कभी मोदी जी का मजाक नहीं उड़ाता था, आज की तारीख में अगर ये सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा किसी का मजाक उड़ता है तो वो मोदी जी हैं। तो सोशल मीडिया को तरह तरह से ब्लॉक करने की बात हो रही है, तो अब उम्र तो उनकी भी ढल गई है, चीजें उनकी भी सामने आ गई हैं, मीम उनपे भी बन रहे हैं, तो डर तो उन्हें भी लग रहा है कि एक राज मणिपुर संभल नहीं रहा, अमेरिका में गए तो वहां की असलियत सामने आ गई। सोशल मीडिया पे जो गोदी मीडिया के चैनल हैं उनके मुकाबले में सोशल मीडिया 1000 गुना ज्यादा देखे जाने लगा, तो इधर भी एंग्री यंग मैन का जलवा तो कम हो रहा है, उधर दूसरा एंग्री यंग मैन भारत जोड़ो यात्रा के बाद नायक के रूप में दिख भी रहा है, उसकी पसंद भी बढ़ रही है, तो डर तो इधर भी है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब ये बहुत जीनियस आपका इंटरफेरेंस है संजय जी, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। मुझे ऐसे इंटेलेक्चुअल ऑब्जेक्शंस बहुत पसंद है और खुले तौर पे पसंद है। देखिए, राजनीति एक ऐसी फील्ड है जहां पे जवानी 50 साल के बाद शुरू होती है। किसी एक कद्दावर नेता का नाम बता दीजिए जो राजनीति के उरोज पे पहुंचा हो और 50 साल के पहले पहुंचा हो। एक्सेप्शन हो सकते हैं, राजीव गांधी शायद 40 साल या 48 साल में बन गए थे, वो भी एक एक्सेप्शनल केस था। तो 50 से 75 साल अगर ये देखा जाए तो ये जवानी का पीरियड होता है। रही बात जो अमिताभ बच्चन वाली बोली, अब फिल्म इंडस्ट्री वाली बात है, वहां पे जवानी 30 साल से लेके 40-45, 40-45 साल के बाद आप बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं, और हीरोइन तो 32-35 साल में ही रिटायर्ड होना शुरू हो जाती है। तो फील्ड टू फील्ड अलग है। अच्छा, आपने कर्नाटका का एग्जाम्पल दिया, उसके पहले हिमाचल का भी एग्जाम्पल दिया। युद्ध की जो भूमि है, जो रणक्षेत्र है, दोनों अलग अलग है।
एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी उलटफेर हो सकता है वो ये है कि जब विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में जाएंगे, जहां जनता फैसला करती है वहां एक डिफरेंट सिचुएशन होता है, वहां पे बीजेपी हारी है, और शायद हार अगर बीजेपी वहां जीत जाती तो ये शायद ये सब घटनाक्रम भी नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। तब वो सरकार बना करके आगे का कुछ और सोचती। बीजेपी की एक खासियत ये है, देखिए हारे या जीते मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इतना क्विक ये रिस्पॉन्स करती है, शायद ये पूरी तैयारी करके हर चीज के लिए हर परिस्थिति के लिए बैठे रहते हैं। वहां हारे उनको ये लगा, पहले उनकी रणनीति कुछ और रही होगी कि भाई हम स्टेट बाय स्टेट इलेक्शन जीतेंगे। जब बीजेपी को ये लगने लगा कि मेरे लिए अल्टीमेट खतरा विपक्ष की एकता बन गई है, तो विपक्ष को कमजोर किया जाए, और बीजेपी ही केवल एक ऐसी पार्टी है जो दोनों रास्तों पे काम करती है। सर, भारतीय राजनीति के इतिहास में मैं बताऊं, अपना कद ऊंचा करना यानी इलेक्शन में फेयर वे से प्रचार करना, जीतना, वोटरों को लुभाना, अपनी तरफ जोड़ना, ये एक फेयर वे हो गया। एक और स्ट्रेटजी है कि आप अपने विरोधियों को लगातार कमजोर करते रहिए, तरह तरह के प्रहार करके और ये सारी चीजें करके। तो ये प्रहार जो है ये विरोधी को कमजोर करने के लिए है, विरोधी कमजोर होगा तो उसका एक बट नेचुरल फायदा बीजेपी को मिलेगा। चीज और पूछूंगा, एक चीज और पूछूंगा, एक और चीज मैं मोदी होती जी वाली बात पे भी बोल दूं जो आपने बोला, है। मुझे मैं एक बोलने सवाल दीजिए। कर लूं, मैं एक सवाल कर लूं, फिर आप जोड़ के बोलिएगा। एक चीज राजनीति में और होती है जो सामान्य व्यक्ति होता है, जैसे मैं सोसाइटी में रहता हूँ, उसमें 2014 में 90% लोगों ने मोदी जी को वोट दिया होगा, 2019 में 70% लोगों ने दिया होगा। लेकिन अब उसमें लोग कहते हैं, एक चीज और होती है जिसको नैतिकता कहते हैं। आप 3 दिन पहले कह रहे हो 70 लाख करोड़ की भ्रष्टाचारी एनसीपी, आप एक के बाद एक कह रहे हो ये भ्रष्टाचारी वो भ्रष्टाचारी, फिर मोदी वॉशिंग मशीन में डाला जाता है नेता और इधर से वाइट होकर निकल आता है नेता। तो जो एक सामान है, यूथ है, वो भी देख रहा है आप सत्ता के लिए गुंडों से, माओवादियों से, भ्रष्टाचारियों से, शारदा स्कैम वालों से, एनसीपी वालों से, कोई भ्रष्टाचारी, कोई हत्यारा, कोई बलात्कारी, कोई भी आ रहा है। सत्ता क्या इतनी बड़ी चीज हो गई है? जो वाजपेयी जी कहते थे, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। ऐसी सत्ता पाने के लिए जिनको आप 2 दिन पहले भ्रष्टाचारी बता रहे हो उनको गले लगा रहे हो, तो आपकी कहीं से कहीं नैतिकता वाला चेहरा, आपका मोरल वाला चेहरा, उस पर भी तो दाग लगता है। ये नैतिकता की जो बात करते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट और अभी के गवर्नमेंट में अगर इतने नैतिकता हमारे राजनेताओं, भाई जितनी पार्टियां पहले भी हुई है, मुलायम सिंह यादव, एनसीपी वगैरह, सब लोगों ने नैतिकता की बात की है, समरसता की, विकास की सारी बातें की हुई है। सवाल ये है कि आज के माहौल में कितने परसेंट शुद्ध नैतिकता है, मुझे आप ये बता दीजिए। जो माहौल, मैं वोटरों को भी बोलता हूँ, क्या वोटरों के अंदर इतनी नैतिकता है? वो खुद जब वोट देना होता है तो 10 दिन पहले, 1 दिन पहले उनका माइंड सेट घूम जाता है कि भाई ये हमारी जात क्या है, हम कोई नैतिकता, वो इमोशनल, इंडियन पॉलिटिक्स इतना इमोशनल गेम है ना सर। क्षमा चाहती हूँ, मैं एक चीज कह दूं, 2019 में पुलवामा की घटना के बाद शायद ही किसी चुनाव में राष्ट्रीयता का इतना उफान मैंने तो अपनी पत्रकारिता में 35 साल में नहीं देखा। कारगिल युद्ध या फिर पुलवामा की घटना, घर घर में राष्ट्रवाद का उफान था, धार्मिक मुद्दे उफान पे थे। जिस समय देश में धार्मिक मुद्दे, राष्ट्रवाद के मुद्दे उफान पे थे, तब भी देश के 37% मतदाताओं ने अपना विवेक इस्तेमाल किया था बीजेपी के पक्ष में, 63% ने तब भी नहीं दिया था। तो आप जो कह रहे हैं कि मतदाताओं की नैतिकता, तो वो देश के मतदाताओं की नैतिकता हाँ ही है कि वो 37% से ऊपर नहीं जाने देते, वो नीचे ही रखते ना, हैं ठीक, उसको। बहुत क्वांटिटेटिव वे में आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। ये बहुत मीडिया पे उठता है कि 63%, भारतीय राजनीति में जो राजनीतिक व्यवस्था है, प्रतिनिधियों को चुनने की व्यवस्था है, उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना बीजेपी। या तो ये सिस्टम कर दीजिए भाई, दो आदमी लड़ेंगे, दो पार्टियां लड़ेंगी, या चाइना की तरह कर दीजिए जहां बहुदलीय व्यवस्था है। तो जो विपक्षी दल है, मैं तो मुलायम सिंह यादव, एनसीपी, शरद पवार अगर चाणक्य हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 63% वोटरों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ही तो आप गए थे ना पटना, तो क्यों सही नहीं कर बात, पा रहे हो? ये आपकी अक्षमता है। आप उनसे पूछिए कि भाई आप इतने गए गुजरे हो गए हो कि 63% वोटर आपके साथ हैं और आप एक नहीं हो पा रहे हो, ये उनकी कमी है ना। मुझे लगता है कि शायद ये जो 63%